हम सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं और दिखाते हैं, पाँव के दर्द को आराम नहीं आ रहा लग रहा है, इसको बैंडेज करवानी पड़नी है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि चलें करवा, नहीं करवाते, कोशिश की है नहीं करवाते, फिर भी करवा रहे हैं। चले देखते हैं और दिखाते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग ड्यूटी पे, ड्यूटी से आती हूँ फिर दिखाती हूँ और बताती हूँ। ये देखिए जी, इधर हम लोगों ने बना लिया सालन जी। स्कूल से आके हम लोगों ने बनाया खाना, खाना शाना मैंने बना लिया बच्चों के लिए। और अब मैं जा रही हूँ काम, फिर काम 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 काम। किधर जा रहे हैं? जिम जा रहे हैं, जिम से आके आज है रात में ढोलक, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इधर मैं स्कूल से आई थी और मेरी टांग में बड़ी, पाँव में दर्द हो रही थी। मैंने कहा मैं बैंडेज करा लेती हूँ, हस्बैंड जी को साल लाई हूँ इधर करवाने लगे बैंडेज। मैंने कहा हड्डियों वाले को दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम हुई हुई है, और चलो आराम से बंदा बैंडेज करवा लेते हैं। और ये देखिए जी, हो गई है मेरे पैर पे बैंडेज। मैंने काफी कोशिश की थी, हस्बैंड जी के पैसे ना लगे। हाँ जी हस्बैंड जी, मैं क्या पैसे दिया दे बच जान मेरा पैर, कोई गल नहीं खराब भी होई कोई गल है। अब देखे फ्रेंड, डॉक्टर बोलता है कि राम करे राम कर, राम कितने हाड़ी जिंदगी दे बेच। मैंने कहा चले थोड़ी सी पाँव शाव चले तो चले, अल्लाह हैर करे इंशाल्लाह ताला। अभी भी हिम्मत नहीं हार रही, अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत दे और अल्लाह सेहत दे मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी, आप लोगों को भी, आमीन। और चल देंगे और फिर दिखाते हैं। कोई भाई ये छोटे मोटे काम होते रहते हैं जिंदगी में, पर दर्द बहुत ज्यादा थी जो बर्दाश्त नहीं थी, और इस वजह से मैंने बैंडेज करा ली। मैंने कहा चलो यार करा ही लो तो अच्छी बात है। और हस्बैंड जी मुझे खिलाने लगे क्या सेवा कर रहे हैं मेरी। चले जी खाते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने नेक्स्ट डे लेनी थी मिठाई, तो क्योंकि ढोलक वगैरह पे जाना था हम लोगों ने, और मैंने हस्बैंड जी को बोला इधर से मिठाई ले ले। जी मेरी पट्टी खोल रहे हैं, इसलिए खोल रहे हैं, तकरीबन आज पट्टी को हो गया दो दिन, तो मैंने कहा अभी खोल लेते फिर बाद में लगवा लेंगे। हाँ जी हस्बैंड जी, अभी खोल कर रख देते हैं ना। मैंने कहा चले फिर लगा लेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं किधर, फंक्शन पे। आज ढोल के फिर हर कोई ये रहने दे यार, रहने दे, ये खोल लेते हैं तो फिर बंदा हर कोई पूछेगा क्या हुआ है क्या हुआ है, तो मैं चीज को अच्छा नहीं समझती ना। मैंने कहा खोल लेते हैं फिर रात में फिर लगवा लूंगी, कोई आया जेल वगैरह मालिश करा के ना, तो पता नहीं एकदम मेरे पाँव को क्या हुआ था, कोई समझ से बाहर बात। इसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ। जब हम सुनाएं, क्या हाल है? ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। हम लोग जा रहे हैं आज, ढोलक भी और बर्थडे भी है जेठ के घर। ठीक है, आपको पता है शादी स्टार्ट है, कितने दिन से मैं बोल रही हूँ शादी है स्टार्ट, और हमने पहन लिए कपड़े। ठीक है ना, और हल्का 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 तैयार हो गया, इतना ज़्यादा नहीं शिमर वाला नहीं, दूसरा हुआ है मैट तैयार। ठीक है, और चलते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। जैनब हाँ जी, कैसी हो? किधर जा रही हो? ताई अम्मी के घर जा रही, कज़न की बर्थडे भी और साथ कज़न की ढोलक भी है। ठीक है, और जा रहे हैं हम लोग और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। ये देखिए जी, हम लोग आ गए हैं, मैं और मेरी बच्चियाँ, और हम लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए जी, हम लोग आ गए हैं और ढोलक वगैरह बज के फ्री हो गई थी, और इधर केक कटिंग कर रही है जेठ की बच्ची, और उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, खाने में थी बड़ी मज़ेदार बिरयानी। आ गए हैं जी घर, कपड़े वगैरह चेंज करने लगे हैं। ठीक है ना, कार ही नहीं है तकरीबन, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।